परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वतबारकस्मुका वताला जद्दुका वलाइला गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबू जर अहमद अंसारी साहब। अबू जर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। हजरत, अब आइए एक ऐसे अजीम शायर से मुलाकात करते हैं जो मस्तीए किरदार और जुरते गुफ्तार का बेहतरीन सिंबल है। नरम दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जस्तजू जिसका शार है, जो गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन अलमबरदार है, और वो एक ऐसा शरीफ नफ्स और रोशन जमीर शायर है कि जिसकी शायरी पूरी इंसानियत को ये नाकाबिले फरामोश पैगाम पेश करती है कि फूल बनो खुशबू फैलाओ, फूल बनो खुशबू फैलाओ, और चांद बनो ठंडक पहुंचाओ, और कतरा कतरा दरिया बनकर हर प्यासे की प्यास बुझाओ। हजरात, इस तरह का अजीम पैगाम देने वाला अजीम शायर जनाबे मुबशिर इलाहाबादी के नाम से मौसूम किया जाता है। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि बराए करम पासबाने उर्दू के सामने रौनक अफरोज होकर अपना मेयारी कलाम पेश करें। चाहता हूँ और तमाम लोगों से इजाजत चाहता हूँ, अपने भाइयों से, अपने साथियों से, और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि खुदा के नाम से, खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, खुदा मेरा खुदा सबका हरिस पे नाज करता हूँ, खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, और खुदा मेरा खुदा सबका हरिस पे नाज करता हूँ, और मुबशिर जानता हूँ पर है ना ही पास कुवत है, कि मुबशिर जानता हूँ पर है ना ही पास कुवत है, इनायत उसकी होती है तो मैं परवाज करता हूँ, इनायत उसकी होती है तो मैं परवाज करता हूँ। और मेहमान खुसूसी अबू जर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में और उनके लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ, फिर अपनी शायरी से जोड़ता हूँ। जी जी, इनायत। कि न एक दिन और ना दो दिन बराबर याद आएंगे, कि न एक दिन और ना दो दिन बराबर याद आएंगे, गरीबों और मजलूमों के यावर याद आएंगे।
मुशायरों को सजाने में अबू जर भाई का बहुत बड़ा हाथ है और वो अहमदाबाद से यहाँ पर चलकर हम हमारे और आपके बीच में आए हैं। मैं शेर पेश करता हूँ। ना एक दिन और ना दो दिन बराबर याद आएंगे अबू ज़र याद आएंगे चले जाएंगे कल फिर भी अबू ज़र याद आएंगे। और डॉक्टर ताबिश मेहदी जैसी शख्सियत मौजूद है और अभी साहब ने जिक्र किया कि शायरी करना आसान काम नहीं है। शायरी हकीकत में हकीकत से नजरें मिलाने का नाम है। जब शायरी पर तमाम एतराजात हो रहे थे उस वक्त लखनऊ के एक शायर ने सफी लखनवी साहब ने एक जवाब दिया कि शायरी क्या है, कि शायरी क्या है, शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। मैं शेर पेश करता हूँ इल्म के हवाले से। जी जी मुबशी साहब बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। कदर तेज है जिनका वही इंसान पढ़ते हैं कि मुकद्दर तेज है जिनका वही इंसान पढ़ते हैं और कला मुल्ला को बस साहिब ईमान पढ़ते हैं। मैं एमएड का एंट्रेंस देने जा रहा तब मैंने ये शेर लिखा। मैंने महसूस किया कि हम यानी कि तमाम मुसलमान किस लिए पीछे हैं। हम माइनस मार्किंग, हम निगेटिव मार्किंग में हम माइनस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी किताब, इस कायनात की सबसे बड़ी किताब कुरान को छोड़ दिया है। हमने नमाज को छोड़ दिया है। अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं भी पूरे कायनात में मुसलमानों को पीछे कोई नहीं कर सकता। मैं शेर पेश करता हूँ। मुकद्दर तेज है जिनका वही इंसान पढ़ते हैं कला मुल्ला को बस साहिबे ईमान पढ़ते हैं। मेरी ये बात सच है और ये सच बात साबित भी कि बुलंदी पर वही रहते जो कुरान पढ़ते हैं कि बुलंदी पर वही रहते हैं जो कुरान पढ़ते हैं। मुकद्दर तेज है जिनका वही इंसान पढ़ते हैं। और 26 जनवरी अभी हम आप तमाम लोगों ने 26 जनवरी का जश्न मनाया और मुसलमानों से क्या क्या इम्तिहानात और क्या क्या उनसे तवक्को की जाती है तब मैंने शेर कहा। जी इनायत 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 मुबशी साहब आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूं। मैं शेर पेश करता हूं। जी सामाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है मुबशी साहब। आप कामयाब पेश करता हूं सामाइन की अदालत में। जी जी इनायत इनायत कहा मेरा न जाने किस लिए उनको खटकता है और मेरी मेहनत से गुल खिलते हैं तब गुलशन महकता है। कहा मेरा न जाने किस लिए उनको खटकता है। मैं मुस्लिम हूँ जिस मजहब में वतन से मोहब्बत आधा ईमान हो। मैं मुस्लिम हूँ वतन को चाहना ईमान है मेरा। मैं मुस्लिम हूँ वतन को चाहना ईमान है मेरा। मेरे सीने में हिंदुस्तान दिल बनकर धड़कता है।
میرے سینے میں ہندوستان دل بن کر دھڑکتا ہے، میری محنت سے گل کھلتے ہیں تب گلشن مہکتا ہے۔ اور وہ شاعری پیش کرتا ہوں جس کے حوالے سے مجھے جانا جاتا ہے، قومی یکجہتی ہندوستان پوری وشو میں، پورے کائنات میں، پورے ورلڈ میں جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی 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 عنایت مبشر صاحب، پیار پھیلائے عداوت سے بہت دور رہیں، کہ پیار پھیلائے عداوت سے بہت دور رہیں، ہم بھی مسرور رہیں آپ بھی مسرور رہیں، کہ مذہبی رنگ میں رنگ بھول نہ جائیں اپنا، کہ ہم ہیں انسان تو انسان کے دستور رہیں، ہم ہیں انسان تو انسان کے دستور رہیں۔ آپ کے کام کی باتیں بھی آئیں گی، تھوڑا انتظار کر لو یار، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا اگر کہو تو ڈائریکٹ تم سے جڑ جاؤں۔ نہیں مبشر صاحب، یہ لوگ داد دے رہے ہیں، ان کا داد دینے کا انداز یہی ہے۔ میں نے کہا اگر کچھ اور انداز ہو تو میں ان کے انداز پہ آ جاؤں۔ یہ آپ کے چاہنے والے، آپ پڑھتے رہیے، سب لوگ آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی 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 ہاں ہاں جی نیس ٹھیک ہے، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے سب آپ کے چاہنے والوں کی تالیاں بج رہی ہیں۔ جی ستم کی تیز ہواؤں نے گھیر رکھا ہے، میرے شہر کو بلاؤں نے گھیر رکھا ہے، ستم کی تیز ہواؤں نے گھیر رکھا ہے، میرے شہر کو بلاؤں نے گھیر رکھا ہے، کہ مگر کوئی بھی میرا کیا بگاڑ پائے گا، مگر کوئی بھی میرا کیا بگاڑ پائے گا، کہ مجھے تو ماں کی دعاؤں نے گھیر رکھا ہے، مجھے تو ماں کی دعاؤں نے گھیر رکھا ہے، ستم کی تیز ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اور نوجوان دوستوں سے جڑتا ہوں میں، ان کا امتحان لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے کتنا جڑتے ہیں، بہت دیر سے ان کی امیدیں لگاتار بس وہی سننے کی تھی۔ سناتا ہوں بھائی آپ کے کان کی چیز سناتا ہوں۔ مبشر صاحب آپ بشارت دے رہے ہیں، بڑی پیاری بشارت دے رہے ہیں، مبشر بھی ہیں بشارت بھی دے رہے ہیں۔ جی سناتا ہوں نوجوان دوست، آپ کا امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی جان ہے۔ باغ سے کچھ ایسی بھی تتلیاں نکلتی ہیں، کہ باغ سے کچھ ایسی بھی تتلیاں نکلتی ہیں، اور روپ رنگ سے جن کے بجلیاں نکلتی ہیں، کہ روپ رنگ سے جن کے بجلیاں نکلتی ہیں، یہ 21ویں صدی کا ہندوستان، یعنی ہندوستان نہیں انڈیا، کہ روپ رنگ سے جن کے بجلیاں نکلتی ہیں، کہ جانے کتنے لڑکوں کے ہوش اڑنے لگتے ہیں، سج سنور کے جب گھر سے لڑکیاں نکلتی ہیں، سج سنور۔ ہاں یہ سمجھ میں آئے گا بھائی، چاہے سلیبس میں ہو یا نہ ہو، کورس میں ہونے کے۔ مبشر صاحب لڑکیوں کا نام آنے کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، نہیں نہیں ان سے زیادہ عاشق آپ ہیں میرے چہرے۔
नाजिम साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए आई, मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ जी जी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए कि मेरे नौजवान दोस्त जो खामोश थे वो बोल पड़े, मैं चाहता था कि ये बोलें और वही हुआ कि ये बोल पड़े। वो लोग जुबान से नहीं बोलते, दिल की जुबान से बोल रहे हैं। हाँ, दिल की जुबान से बोले यही अच्छा है। फिर इस मोबाइल के दौर में चार मिसरे पेश करता हूँ। कि तेरी आवाज दिल में, इन चार मिसरों को सुनने के बाद वो लोग ताली जरूर बजाएंगे, या जो किसी से बात करते हैं और मोबाइल जिनके पास है। जी जी जी, आखिरी के चार मिसरे पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लेता हूँ। जी जी मुबशिर साहब। कि तेरी आवाज दिल में प्यार का रस घोल देती है, रस घोल देती है, सुकून मिलता है जब तू मुझे से हंस कर बोल देती है। आखिरी चार मिसरे सुन लो कायदे से भाई, मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ, मुझे बहुत पढ़ने की, बहुत पढ़ना नहीं चाहता मैं। कि सुकून मिलता है जब तू मुझे से हंस कर बोल देती है, तेरी जुल्फों से आती है महक मुझ तक गुलाबों की, नहा कर छत पे जब आकर तू जुल्फें खोल देती है। मेरे दोस्तों, आप लोग बड़े जिंदा दिल हैं, यकीन मानिए जिस मुल्क में ऐसे नौजवान हो वो मुल्क यकीनन महान हुआ करता है। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतिशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहेब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा मुशायरालाइव.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब, आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है वक्तमीडिया@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए रानीगंज प्रतापगढ़ UP से।